आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीओ पे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि काका आईपीओ की लिस्टिंग हो गई है आज, एंड आप देख रहे हो काका के शेयरों ने मार्केट में आते ही धमाल मचा दिया है। एंड आईपीओ निवेशकों ने इसमें जमकर पैसे तो लगाए ही थे, और अब इसके शेयरों को धमाकेदार एंट्री ने उनके फैसले को सही ठहरा दिया है। गाइस, आईपीओ निवेशकों को यह शेयर 58 रुपये के भाव पर जारी हुआ है। आज बीएससी के एसएमई में प्लेटफॉर्म पर इसकी 110 रुपये के भाव पर एंट्री हुई थी, यानी कि 90% का लिस्टिंग गेन मिला। एंड इसके बाद भी शेयरों की तेज़ी नहीं थमी, और उसके बाद आप कह सकते हैं इस लेवल से 5% तक की मतलब उछाल देकर 115 रुपये के अपर सर्किट पर पहुंच गए। यानी कि आईपीओ निवेशकों को पैसा पहले ही दिन लगभग 2 गुना हो गया है। एंड काका एंड इंडस्ट्रीज़ के 21 करोड़ रुपए का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 10 से 12 जुलाई तक खुला था। इस आईपीओ में निवेशकों ने जमकर पैसे लगाए थे, और ऑल ओवर यह 292 गुना सब्सक्राइब हुआ था, जिसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का हिस्सा 72 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का हिस्सा 43 गुना, और वहीं खुददार निवेशकों का हिस्सा 358 गुना भरा था। इस इशू के तहत 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले 36 लाख इक्विटी शेयर जारी हुए हैं। इन शेयरों को जारी कर जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कर चुकाने वर्किंग कैपिटल की ज़रूरतों को पूरा करने और आईपीओ के खर्चों को और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में होगा। सो गाइस, देखिए इस आईपीओ ने आते ही धूम मचा दी है, एंड गाइस अब इसकी लिस्टिंग भी हो गई है। तो बस आप लोगों को मैं इतना ही कहूँगी कि इस काका इंडस्ट्रीज पे अपनी एक नज़र बनाकर रखिएगा, क्योंकि जिस ऐसा नहीं होता गाइस कि कोई आईपीओ आता है तो जब उसकी लिस्टिंग काफ़ी अच्छी होती है धमाकेदार होती है, बाद में स्टॉक गिरने भी लगता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो स्टॉक की धमाकेदार एंट्री होती है तो आगे तक काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करता है। तो इसलिए आप उसको अपने रडार लेवल पर रखें, पोर्टफोलियो में थोड़ा सा शामिल रखें, ताकि अपनी आप कह सकते हो कि पोर्टफोलियो में शामिल करने से पहले अपने रडार पे रखिए, अच्छा लगता है तो देन अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। तो गुड बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।